बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने चैनल का नाम देखा है, इसमें जो चैनल का नाम है वो होम्योपैथिक सिलेबस के नाम से है, और होम्योपैथिक सिलेबस उन लोगों के लिए जो होम्योपैथिक स्टडीज़ ऑलरेडी उन्होंने कंटिन्यू करी हुई है, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको थोड़ी सी क्यूरीज हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन द होम्योपैथिक सिलेबस एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दे कैन गेट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देनी थी कि जो करिकुलम इसमें आता है, सिलेबस आता है, वो जो है वो डिज़ाइन किया जाता है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ठीक, जैसे कि आप स्क्रीन पर मोनोग्राम देख रहे हैं, ये जो होम्योपैथिक कोर्सेज करवाए जाते हैं ये रिकग्नाइज्ड हैं होम्योपैथिक काउंसिल से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है, और वहीं से सारे एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं और सिलेबस वगैरह जो भी आपका डिज़ाइन होता है वो वहीं से होता है। तो इसमें जो आपको जैसे कि थोड़ी सी नो हाउ देने के लिए मैं डिस्कस करूँगी कि होम्योपैथिक सिलेबस जो है वो कंसिस्ट करता है 4 ईयर्स पर। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें जो है वो 4 साल में आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो है वो आप होम्योपैथिक से रिलेटेड होम्योपैथिक रूल्स के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं वो आप स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो बेसिक मेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपके उसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों जो हैं मिलाकर जो है वो सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें हम क्लास वाइज आपको थोड़ा सा गाइडलाइन, ये ब्रीफ वीडियो मैं बना रही हूँ पहले आपको, इसमें जो है वो ब्रीफली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है वो आपको डिटेल में फर्स्ट ईयर के जो जो सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन उन सब्जेक्ट्स की जो भी टॉपिक्स होते हैं, यानी जिन लोगों ने एडमिशन ले लिए हैं तो उनके लिए वो वीडियो ज़्यादा यूज़फुल होंगी कि जब वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जिनमें से वो सिलेबस अपना तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का देखते हैं। इसमें सेशन वाइज आपको बताया हुआ है फर्स्ट ईयर के जो भी कोर्सेज हैं वो आप फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं। तो हर क्लास के सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बेसिक मेडिकल कोर्सेज। बेसिक मेडिकल कोर्सेज में आप जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो MBBS के स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं, और आपको जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता, लेकिन उसको जो है वो बेसिक जो उसकी नॉलेज होती है वो आपको इसमें वो टॉपिक्स शामिल किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो है पार्ट वो होम्योपैथिक कोर्सेज के हवाले से हैं। इसमें होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी बेसिक मेडिकल कोर्सेज के अलावा जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड होंगे। उसमें बेसिक जो आपको पढ़ाया जाते हैं वो 2 सब्जेक्ट्स आप 4 साल में पढ़ते हैं। वो 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी। होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में आपको होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिक रूल्स और उसकी डिस्कवरी के बारे में मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और फर्स्ट ईयर में बहुत बेसिक रूल्स के बारे में आपको जो है इसमें समझाया जाता है, और इसको आप होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी पार्ट 1 के नाम से सुनते हैं पढ़ते हैं। उसके बाद मेटेरिया मेडिका जो सब्जेक्ट है वो आप 4 साल पढ़ते हैं। तो मेटेरिया मेडिका में जो है वो आप मेडिसिंस पढ़ते हैं, जो मेडिसिंस होम्योपैथिक सिस्टम में ट्रीटमेंट के इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में आप फर्स्ट ईयर में 10 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिंस पढ़ते हैं। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बहुत बेसिक मेडिसिंस होती हैं जो बहुत यू कैन यूज़ इट इन योर डेली लाइफ। तो जो मेडिसिंस हैं उनके बारे में आप फिर फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं वो 10 मेडिसिंस होती हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आप मज़ीद डिफरेंट मेडिसिंस पढ़ते हैं।
वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और मोर देन 5,000 मेडिसिन्स डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन आपके सब सिलेबस में जो भी मेडिसिन्स शामिल हैं वो ज़ाहिर है सारी मेडिसिन्स नहीं शामिल होती हैं, वो फिर आप अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर अपनी एक्सपीरियंस में आपके फिर मज़ीद मेडिसिन्स उसमें आप शामिल होते चले जाते हैं, और आप मटेरिया मेडिका और मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं आपकी, रेपर्ट्री वगैरह जब आप रेपर्टराइज करते हैं तो उसकी नॉलेज आपको मिलती रहती है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है होम्योपैथिक कोर्सेज में फर्स्ट टर्म है वो है फार्मेसी। फार्मेसी में आप दो पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और फार्मेसी में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के सोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और पोटेंसिल्स वगैरह किस तरह से बनती हैं, वो तमाम चीज़ें आप होम्योपैथिक फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मेसी से आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बाकी होम्योपैथिक कोर्सेज जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे वो होम्योपैथिक फिलासफी और मटेरियल मेडिका होगा। तो ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ये आपको ब्रीफली बताया मैंने, फिर वन बाय वन हम जब डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं फर्स्ट ईयर की अलग से, तो उसमें एनाटॉमी और बाकी सिलेबस जो है इसमें से इसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में फिर मैं डिटेल में इनके टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करूँगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आप जो है वो बेसिक मेडिकल कोर्सेज और होम्योपैथिक कोर्सेज इन दो में ही डिवाइड करके इसके भी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है। तो बेसिक मेडिकल कोर्सेज में यहाँ पर जो है वो आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। फिजियोलॉजी जैसे एनाटॉमी जो है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन वगैरह पढ़ाई जाती है। तो सेकेंड ईयर में उसी तमाम सिस्टम्स को जो ह्यूमन बीइंग के सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो ये भी दो पार्ट्स में होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल या डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद बी पार्ट में पैथोलॉजी, वैसे बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड ईयर का है, लेकिन सेकेंड ईयर में बहुत इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके बाद सी जो सेकेंड आपका सब्जेक्ट है वो है हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ में जो है आप ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें जो है वो आप उन तमाम मेजर्स को स्टडी करते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को आप हेल्दी लाइफ स्टाइल किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई डिजीज़ अगर कहीं पर फैल रही है, कोई बीमारी, तो उस कम्युनिटी को आप उससे कैसे बचा सकते हैं और उस डिजीज़ को जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए जो जो मेजर्स होते हैं, जैसे अच्छी डाइट है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज है, और जो भी हाइजेनिक कंडीशन है वो किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, और बेटर वे ऑफ लाइफ आप किस तरह से अपने पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम मेजर्स जो है आप हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ में स्टडी करते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक COVID-19 के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है, और बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किस तरह से वो इस डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो इन्फेक्ट हो गए हैं उनको फिर किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम जो मेजर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको COVID-19 की एग्ज़ाम्पल दी है, तो इसमें जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो स्टडीज़ की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो आप हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट के अंदर वो तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। सेकेंड ईयर की जो नेक्स्ट है वो होम्योपैथिक कोर्सेज की सब्जेक्ट्स हैं, अगेन वही मटेरिया मेडिका होगी इसमें। मटेरिया मेडिका जो है वो सेकेंड ईयर में 34 मेडिसन्स हैं, तो ये तमाम मेडिसन्स आपको पढ़ाई जाती हैं, और इनके बारे में जो है आपको वायवा भी लिया जाता है, और थ्योरी, ये दोनों थ्योरेटिकल एग्जाम्स भी होते हैं और वायवा भी, तो ये इन दोनों में डिवाइड करके आप इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक कोर्स में सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर में वो है होम्योपैथिक फिलोसफी। ये फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा एडवांस होता है, और इसको पार्ट टू के नाम से आप पढ़ते हैं, और इसमें भी होम्योपैथिक के जो भी रूल्स हैं, कौन कौन से तरीके होम्योपैथिक
सिस्टम को अप्लाई करने के लिए, मेडिसिन यूज़ करने के लिए, वो तमाम आप फिर फिलोसफी में स्टडी करते हैं सेकेंड ईयर में। तो ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।